अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हमारे दिन का आगाज हो गया है एज यूजुअल चाय के साथ। दिस इज कॉफी। अच्छा, मुजीब के दिन का आगाज अमेरिका में आके कॉफी से। नहीं, वैसे तो आप कॉफी पीते हैं शौक से, दिखाएं। ब्लैक कॉफी है या कौन सी? नहीं, दिस इज वनीला कॉफी। फ्रेंच वनीला। फ्रेंच वनीला, यस। और ये मेरी हो गई जी चाय। दो टी बैग्स थे, मैंने निकाल दिए हैं, वरना बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जब अपना नाश्ता कर रही है सुबह से, और साथ साथ अपना ब्लॉग भी देख रही है, द लेटेस्ट ब्लॉग लीजिए जनाब। मुझे ना ये चलाने वाला चम्मच ही नहीं मिल रहा मुझे। इसमें से ना नमक और जीरा दे दे। अच्छा, प्याजों को थोड़ा सा हल्का सा सौते करना है, कुछ ज्यादा इतना हम ब्राउन नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये खिचड़ी वैसे बन किस ले रही है? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ठीक हैं। कंसेप्ट यही है एक्चुअली कि पेट खराब हो तो नहीं नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम, मुझे बाहर देखें कितना, बाहर का एक नजारा जरा दिखा दे। हाय 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 हाय, ओ हो हो। मैंने सोचा है कि दही पड़ा हुआ है काफी सारा, साथ कोई ऐसी कोई फ्राई की, फ्राई करने वाली चीजें बेशुमार पड़ी हैं, जैसे प्रॉन्स हैं, कबाब हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो साथ ना खिचड़ी का एक वो कॉम्बिनेशन, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमार शुमार नहीं है। उसके लिए मुझे, मैंने ये देखे दो 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 चीज़ें भिगोनी हैं। ये देखें, ये ना चावल और मूंग की दाल है। ओके, ठीक है। और इसको हम ज़रा सा प्याजों को हल्का सा देखें, कुछ खास नहीं है, इन्हें इतना कोई बड़ी साइंस नहीं है। ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, और अंदाजन ना मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी। ये देखें, इन चावलों के अंदाजे से इतना काफ़ी होगा सॉल्ट। ठीक है, ठीक है। ये गया सॉल्ट, और थोड़ा सा हमने जीरा दिया, ये वाइट जीरा, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ये सफेद जीरा। ठीक हो गया, ठीक है। ज्यादा बेहतर है अगर आप इसको थोड़ा सा हाथ में मसल के डालते हैं, खुशबू आ जाती है। ठीक हो गया, ये हमारा खुशबू हाथों में आ जाती है, तरकारी में आ जाती है। खूबसूरत तो माशाल्लाह। नहीं, ये मेरे नहीं है ना। अच्छा, आमना के, ये आमना के है। ये देखें, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और ये डस्टबिन को भी पसंद आए हैं, ये देखें। डस्टबिन तुम्हारा पसंदीदा वैसे ही। अच्छा जी, ये देखिए मुझे, बस ये इतना ही है, देखिए इतना ही ये हुआ है ना। तो इसमें हमने पानी छानी डाल के और इसमें चावल डाल दिए। ठीक है, तो ये एक कटोरा है ना, तो खिचड़ी काफी बन जाएगी ज्यादा। अच्छा है, जरा थोड़ा सा हम भी खा लेंगे तो कोई, ये तो कॉन्सेप्ट है कि जी बीमार लोगों के लिए होती है खिचड़ी। वैसे तो इट्स अ वेरी हेल्दी फूड। थोड़ी सी नरम बनाऊं कि चावल चावल थोड़ी सी नरम हो, साथ दही हो, साथ अचार हो,
और अगर कोई कबाब हो जाए तो वो भी शामिल तो है, शामिल तो है जी, वो तो जो भी होगा वो फ्राई कर देखे ना, ये दो 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 एक कटोरा था तो इसमें दो कटोरे पानी डालेगा, ये दो बोल्स पानी की हो गई, और ये कुछ मैं इसको जरा ज्यादा गलाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। एक्स्ट्रा भी डालते हैं मैं, खिचड़ी ज़रा नरम होती है ना। अच्छा, खिचड़ी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये थोड़ी नरम होती है और इसको हम ढक देंगे और ये पकती रहेगी। इसको प्रेशर कुकर वगैरह में बनाने की जरूरत नहीं होती है ना? नहीं, इसको प्रेशर कुकर में बना लेते हैं लोग, लेकिन मैं तो इसमें बना रही हूँ, और आखिर में जब हम इसको दम देंगे तो ये बटर डाल देंगे। ये ऊपर जो है ना, मैं ये मक्खन का मैं तो देती हूँ, या देसी घी का या मक्खन का दम, ताकि खिचड़ी एक अच्छी आला किस्म की जो है वो खिचड़ी तैयार हो। और इसके साथ वैसे अगर प्लेन ये खिचड़ी हो और दही और अचार ले लें तो इट मेक्स अ वेरी गुड लंच। बिल्कुल ठीक है। तो आमना ने कहा था कि मैं आकर कोई बर्गर वगैरह खाने का प्लान था, मैंने कहा ये भी साथ बना देती हूँ, ये दिस इज हेल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो यू लव मी मोर और एलेक्सा? व्हाट डू यू थिंक मी नेचुरली इट्स नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। या एंड आई हैव नो डाउट अबाउट इट दैट आई एम बेटर देन तैयार होती है, तो इसकी लास्ट लुक मैं ही दिखा दूंगी, क्योंकि बाबा आप लोग मूवी में बिजी हैं। ये जो आपके बाबा हैं, ये एक्चुअली ही वाज बिजी वाचिंग मूवी, और मैं बीच में ले आई हूँ, लेकिन लास्ट लुक विद मक्खन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। स्टे विद मी, लीव मुजीब। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखिए गरम करने की जरूरत है, कर देती हूँ थोड़ा सा, भी गर्म कर देती हूँ, बहुत गर्म है ना। मैं खाती जा रही हूँ, ये गरम है जो कोई स्मेल नहीं होती, नहीं होती बाबा, फिश का टेस्ट होता है जैसा पाकिस्तान वाला खा लेते हैं। केचप है? नहीं, केचप है ये, खिचड़ी खा ले फिर आप। हाँ ये थोड़ा सा दे दो बस। ओ जी, कैसा था आपका दिन? अच्छा था, टायरिंग था बहुत सॉफ्ट। तो वैसे घर का खाना भी बना हुआ है, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। खिचड़ी? हाँ जी। नो थैंक यू, नो थैंक यू, मैकडॉनल्ड्स ग्रेटर देन घर का। नहीं, मजाक कर रही हूं, घर का खाना नहीं, बहुत शुक्रिया वैसे भाई जी। आई एम श्योर लंच भी मिल रहा है मुझे रोज, कभी सैंडविचेस, कभी कुछ, कभी कुछ। और चल रही थी बहुत अच्छे से। आपका दिन कैसा था? अच्छा था, कुछ मैंने थोड़ा सा काम किया। बेबी तो अभी तुम्हारे सामने सो ही रहा था, और मूवी तो भी देखी, खिचड़ी बनाई, स्नोफॉल देखी। स्नोफॉल आज स्नोफॉल हुई है कि नहीं? नहीं। मैंने तो एडमिशन्स पे एडमिशन्स पे एडमिशन्स किए। बेटे कौन से एडमिशन्स हो रहे हैं? कोविड के 90% का सैंडविच बन रहे थे। हाउ वर द सैंडविचेस? रियली गुड।
जो खिचड़ी बनाई है उसमें अगर आलू भी डाल देती ना खिचड़ी में दाल और चावल ही होते हैं वैसे तो डाल लेते हैं कोई और सब्जी गाजर शिमला आलू मैं खिचड़ी हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी बनाई कि किसी का पेट खराब होगा हाँ मरियम भी खिचड़ी खा रही थी आपने कहा था मैंने उसको रेसिपी बताई थी अपनी मुझे लगता है इंस्पायर होके उन्होंने भी बना ली होगी नथिंग इट्स सिंपल मजे का बर्गर है थोड़ा सा जरा टेस्ट फर्क है पाकिस्तान के मैकडोनल्ड से लेकिन मोर और लेस सेम है पाकिस्तान का बहुत बेहतर है और जब मैं क्रिस्पी है ना बहुत ज्यादा आता है फ्राइज अच्छे हैं केएफसी भी बहुत ज्यादा आता है यार मैंने रखे थे ये हरियाणा कर दो भाई इनको ये उसमें है देखो है ना वेयर इज थर्ड ड्रिंक मेरे वेयर इज द थर्ड ड्रिंक गुड क्वेश्चन बाबा दो भी खा सकते हैं खाने चाहिए नहीं तो हमने कौन कौन सा वैक्सीनेशन कल लगना है इंशाल्लाह ताला वो लगेगा शायद अभी टिश्यू ले I think so, but then I'm not a doctor, you must be knowing better. I don't know what TABT is. TABT is tuberculosis and tetanus mixed. There is a lot. Oh, yeah. Just yeah. Hai, na? Yeah, TBD, yeah. There is a lot. I know. Why am I here, Mama? Mama, Pakistan ki aur yahan ki diseases different hai. पोलियो नहीं है यहाँ पे टीबी नहीं है मलेरिया नहीं है और वहाँ पे ये सारी चीजें बहुत है एक जमाना था जब मैं फाइनल ईयर में थी ना तो डेंगी फीवर नहीं है उसका डेंगी फीवर डेंगी का पूरा एक चैप्टर था वो जनाब सर ने पूछा हमने कल ही हमने तो ये चॉइस पे छोड़ दिया उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट आएगा डेंगी फीवर वाला तो आप कहोगे कि ये तो मैंने चॉइस पे क्वेश्चन छोड़ दिया था और वो हमने कहा नहीं नहीं डेंगी शेंगी ये क्या है ये तो कभी भी नहीं होगा वो हुआ देखो है ना और ऐसा वैसा हुआ चलो जी डिनर तो हमारा यूं ही चलता रहेगा आप हमारे साथ इसी तरह ही बंधे रहे और लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें वी लव यू गाइस आई थिंक लोगों को मजा आ रहा है ये देख के यूएस की सीरीज हाँ बिल्कुल अगर आ रहा है तो लाइक करें नहीं आ रहा तो डिसलाइक करें ताकि आमना को पता लगे नहीं आ रहा तब भी लाइक करें अपना बहुत सारा ख्याल रखें हमें अपने दुआओं में याद रखें दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दुआओं में याद रखें So till next vlog, take good care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.